इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्या जो है पोको के मोबाइल फोन में कलर स्कीम सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब आप अपने पोको मोबाइल फोन के डिस्प्ले कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप जाएंगे पोको मोबाइल फोन के सेटिंग्स में, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए कलर स्कीम का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ऑटो जो है सेलेक्ट हुआ रहता है। तो अगर आप यहाँ पर जो है सैचुरेटेड को सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके स्क्रीन का कलर थोड़ा जो है यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। और अगर आप यहाँ स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कलर थोड़ा फीका हो जाएगा वाइट से। और दोस्तों अगर आप यहाँ ऑटो रिकमेंड को ही सिलेक्ट रखते हैं तब दोस्तों नीचे से भी आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये डिफॉल्ट रहेगा तो जब बॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जैसा डिस्प्ले आपका जो है सैचुरेटेड में रहता है तो वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा। जब दोस्तों आप यहाँ कूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों डिस्प्ले का कलर है वाइट में तो वो थोड़ा यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा कुछ कुछ दोस्तों नीले कलर का जैसा, आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है पोको के मोबाइल फोन में कलर स्कीम सेटिंग को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।